देखो किस तरीके से बड़ी संख्या में ये चींटियां अपने नेस्ट से लगातार मिट्टी बाहर ले आ करके और ये देखो होल के पास ताजी मिट्टी डाल रही हैं। इनसे हमको सीख मिलती है कि हम ही लोग ही नहीं बल्कि ये भी अपने रहने के पुख्ता इंतजाम करते हैं। और सबसे बड़ा तो एक इनमें स्पेशल करेक्टर है कि ये ग्रुप बिहेवियर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनमें सोशल बिहेवियर होता है, जिस तरीके से हम लोग सोसाइटी बनाकर रहते हैं ठीक उसी प्रकार से चींटियाँ, दीमक और मधुमक्खियाँ ये सभी ग्रुप में रहते हैं और कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन कर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। चींटियाँ खेती भी करती हैं और आंट काऊ भी पालती हैं मिल्क के लिए। खेती के रूप में ये नेस्ट के अंदर आंट काऊ को पालती हैं और उसको फंगस की खेती करके फूड खिलाती हैं और उसके शरीर से जो हनी ड्यू निकलता है उसको मिल्क के रूप में लेती हैं। और इनमें ट्रैफिक नहीं लगता है, आप देखना कभी चींटियाँ मार्ग में, इनके मार्ग में कभी भी कोई ट्रैफिक नहीं लग सकता है। हम लोगों से ये आगे हैं, अगर इनके मार्ग में कोई ईंट कंकड़ पत्थर या तिनका गिर जाए तो ये तुरंत उसको या तो हटा देती हैं सब मिल करके, और नहीं तो एक जस्ट पास में बाईपास बना लेती हैं और इनमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। देखिए किस तरीके से होल के पास बड़ी संख्या में ये निकल निकल करके देखिए मिट्टी ला रही हैं। ये देखो,